क्या आपका भी वोटर आईडी कार्ड गुम चुका है? लास्ट वीडियो में मैंने जिसमें बताया था कि आप लोग नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, अगर आपको देखना है तो मेरी ये वाली वीडियो मैं दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के ऊपर कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड तो हमने बनाया था लेकिन अब वो गुम हो चुका है, अब हम कैसे करें, कैसे उसको फिर से जो है ना डाउनलोड करें या फिर नया अप्लाई करना पड़ेगा क्या, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ और बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपना खोया हुआ वोटर आईडी कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में बताएंगे कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी नहीं है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और नंबर है तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को वोटर हेल्पलाइन नाम का एक एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पर आप लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्शन ऑफ एंट्रीज बोल के ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा तो लॉगिन कर लेना। अगर आप लोग पहली बार एप्लीकेशन पे आए तो आप लोग यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर पहले आप लोगों को अपना नाम वगैरह डालकर पासवर्ड सेट कर देना। सेट करने के बाद फिर से यहाँ पर आकर लॉगिन कर लेना। मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर आप लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला गया होगा, उसको यहाँ पर एंटर कर लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका लॉगिन हो चुका है। फिर से आप लोग क्या है वोटर रजिस्ट्रेशन पे चले जाना। वहाँ पर जाने के बाद फिर से आप लोगों को वहाँ पर फॉर्म एट करेक्शन ऑफ एंट्रीज बोल के है उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन है, डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो यस पे क्लिक कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये वाला जो हम कंसिडर किए हैं कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सारी डिटेल्स पूछ रहा है जैसे कि नाम, पेरेंट्स नेम, जेंडर, एज, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये सारे डिटेल आप लोगों को भरने हैं। जैसे कि मैं भर के बताता हूँ। करने के बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही फर्स्ट डिटेल पे आप लोग एक बार क्लिक करेंगे आपको कुछ आएगा ही नहीं, नीचे देख सकते हैं प्रोसीड पे उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी। अब याद रखना अगर आपके नाम के, आपके फादर नाम के दो तीन लोग हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो दो तीन लोगों की डिटेल्स आएगी, उसमें से आपकी कौन सी आती है वो आप लोग जो ना नीचे एड्रेस देखकर कंफर्म कर लेना। करने के बाद अब मान लीजिए यही हमारी है तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हैं। तो जैसे कि ये मेरी वाली है जो मैंने सर्च किया था, ये मेरा ही आईडी कार्ड है, ऊपर नंबर भी देख सकते हैं आईडी कार्ड का नंबर बता रहा है। तो बस आप लोगों को जो है ना अब आपका आईडी कार्ड क्या है कैसा है सब कुछ पता चल गया है, अब आपको आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो उसको लिए आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ले चलता हूँ वापस, देख सकते हैं फिर से हम लोग जो है ना होम पेज पे आ चुके हैं। जैसे ही हमारा वोटर आईडी कार्ड का डिटेल मिल गया हम लोग वापस आ गए। आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ईपीआईसी का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डू यू हैव वोटर आईडी बोल के पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास वोटर आईडी कार्ड अब तो आ गया है वोटर आईडी कार्ड का नंबर, तो यस पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे हमने पहले वहाँ पे जाके सर्च किया है सर्च बाय डिटेल्स, तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन है सर्च बाय डिटेल्स। मैं यहाँ का ऑप्शन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर जब हम सर्च करते हैं तो कई बार एरर बता रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर सर्च करके हमने अपनी डिटेल्स ढूंढी है तो ढूंढ कर जो है ना यहाँ पर हम लोग उसको फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब तो हमारे पास ईपीआईसी नंबर यानी कि हमारा वोटर आईडी कार्ड का नंबर आ चुका है, तो हम लोग यस आई हैव ईपीआईसी नंबर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को हमारा वो वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है। एंटर करके जो है ना हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जो भी हमारा स्टेट है। करने के बाद फेच डिटेल पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आप लोगों को जो ना फिर से जो ना आपकी डिटेल्स यहाँ पे बता रही है, तो कंफर्म कर लेना कि आपकी है या नहीं है। करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना। करने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड ईपीआईसी पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा वोटर आईडी कार्ड आप लोगों के सामने आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ चुकी है, नया वोटर आईडी कार्ड मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसको जो है ना मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ। नीचे शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा जो है ना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब आप लोग इसको जो है ना लैमिनेशन करवा लो, क्या भी करवा लो, नहीं तो अगर आप लोगों को ये जो है ना पीवीसी वोटर आईडी कार्ड नया चाहिए तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों के घर तक आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके जो है ना आसानी से जो है ना अपना वोटर आईडी कार्ड जो गुम चुका है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी।
कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।